खरगोन के कसरावद में इंदौर लोकायुक्त की टीम ने मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण महेश्वर के उपयंत्री राहुल मंडलोई को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। उपयंत्री द्वारा एसिडेक निर्माण के लंबित बिल निकालने के लिए मांगे थे 15,50,000 रुपए। लोकायुक्त की कार्यवाही जारी। आवेदक ओम प्रकाश पाटीदार निवासी साटकुर तहसील कसरावद जिला खरगोन द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय इंदौर में उपस्थित होकर पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के समक्ष यह शिकायत की थी कि वह है मेसर्स प्रकाश पाटीदार के साथ मिलकर मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत लोहारी फाटे से सिपटान एवं निमरानी से बोरवा SDDGA हक निर्माण उनके द्वारा किया गया है, जिसके लंबित बिलों का भुगतान करने के एवज में उपयंत्री राहुल मंडलोई द्वारा 15,50,000 रुपया की मांग की जा रही है। उक्त शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज दिनांक 23 सितंबर 2024 को आरोपी उपयंत्री राहुल मंडलोई को 5 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। भेरेदरा निया 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही अभी जारी है। ट्रैप टीम उपवा दिनेश चंद्र पटेल, कार्यवाहक निरीक्षक राजेश ओहरिया, आरक्षक कमलेश परिहार, आरक्षक सतीश यादव, आरक्षक आदित्य सिंह भदौरिया, आरक्षक विजय कुमार एवं चालक शेर सिंह।